सो हेलो गैच, गुड मॉर्निंग, जोहार छत्तीसगढ़। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्ती होंगे। तो गैच, आप सभी लोग देख सकते हो मेरे पीछे में, दोस्तों मैं कहाँ पर पहुँच गया। आप सभी लोग भी यही सोच रहे होगा। तो गैच, यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं यहीं पर ही रहता था पहले भी, लेकिन गैच मैं 2 या 2.5 महीना के लिए दोस्तों गाँव गया था। उसके बाद दोस्तों मैं गांव में ही दोस्तों अपना ब्लॉग्स बनाने दोस्तों शुरू किया। और पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब चैनल ओपन तो किया था इस यूट्यूब चैनल को, लेकिन मैं ब्लॉग्स वाला वीडियोस यहाँ का दोस्तों एक भी नहीं अपलोड किया था। डायरेक्ट दोस्तों गांव गया, फिर वहीं पर दोस्तों मैं विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए शुरू कर दिया था। लेकिन गैच मैं यहीं पर रहता था पहले भी, और यहीं से दोस्तों मैं इस यूट्यूब चैनल को ना ओपन किया हूँ। फिर दोस्तों वहाँ पर मैं अपने गाँव में दोस्तों 2-2.5 महीना था, फिर वहाँ का ही मैं ब्लॉग्स बनाया। उसके बाद फाइनली गैच दिसंबर आया, फिर नया साल आया, फिर दोस्तों मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पर आना ही चाहता था। और मम्मी लोग बोले थे कि थोड़े दिन के बाद, दिसंबर बीत जाने के बाद ही तुम जाएगा बोले। फिर दोस्तों फाइनली दिसंबर बीत गया, फिर जनवरी के बाद पिकनिक वगैरह दोस्तों हम लोग अच्छे से मनाई अपने गाँव वासी के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आप सभी लोग मेरा पहले वाला ब्लॉग्स देख लेना। फिर फाइनली गैच मैं यहाँ पर आ गया, और आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों मैं अपने दीदी के साथ रहता हूँ। आप सभी लोग आदर्श को जान रहे हो दोस्तों, फिर यहाँ पे दोस्तों आदर्श की मम्मी रहती है और मैं रहता हूँ। अभी दोस्तों आदर्श गाँव में ही है, वहीं पे दोस्तों मम्मी पापा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गैच केवल मैं हूँ अभी, और दीदी दीदी रहती है दोस्तों, वे भी ड्यूटी चली जाती है। तो फिलहाल दोस्तों केवल मैं ही इस घर में अभी रहूंगा, फिर दीदी तो सुबह चली जाएगी, शाम के समय ही आएगी। फिर ब्लॉग्स में केवल मैं ही ज्यादातर दिखूंगा। तो चलो दोस्तों, हमारा इस छोटा सा घर को आप सभी लोग को दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ कैसे रहते हैं, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे क्या है, सब कुछ आप सभी लोग को मैं दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों हम लोग का मेन दरवाजा, और गली के लिए दोस्तों यहाँ है, यहाँ एक गेट है जो कि बाहर से आना जाना, यहाँ पे रोड है, तो उधर अभी नहीं जाते हैं, फिलहाल अंदर का दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों दरवाजा है, दरवाजा जस्ट खोलने के अंदर इधर दोस्तों आंगन आप लोग सोच सकते हो। अभी तो पूरा कपड़ा लत्ता दोस्तों सुखाए हैं हम लोग, कल आए फिर पूरा को धो धा के सुखा दिए हैं। देख लो दीदी अपना ही बाइक है, यहाँ पे दोस्तों केवल हम लोग रहते हैं दीदी के साथ। और यहाँ पे दोस्तों इंटर हूँगा मैं अपने घर में, ये देख लो। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे घर में इंटर होता हूँ, यहाँ पे गैच बैठने का साधन है, चेयर वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पे एक दोस्तों खटिया है लोहा वाला है, और यहाँ पे बारामदा आप लोग बोल सकते हो इसे। और जस्ट दोस्तों यहाँ पे साइड में है रूम, मेरे को सर्दी खांसी पकड़ दिया है। रूम के आप लोग देख सकते हो, इसमें दीदी रहती है, इसमें मैं, और इधर दोस्तों किचन रूम है। चलो दिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा तो नहीं, पर्दा लगाया हुआ है। और जैसे दोस्तों मैं किचन रूम में इंटर करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देख लो यहाँ पे दोस्तों किचन रूम, यहाँ पे खाना पीना बनता है। अभी दोस्तों रोटी वगैरह खा चुका हूँ मैं, रोटी बनाई थी दीदी, फिर खा चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग का किचन है, और बाहर में सुन सकते हो कि दिन भर दोस्तों कुछ ना कुछ बेचने वाले आते ही रहते हैं, तो निकल जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं किचन रूम से बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे दोस्तों अपना रूम, इसी में दोस्तों मैं रहता हूँ, और इसमें दीदी रहती है। तो सबसे पहले चलो मैं दीदी का रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे गैच आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे दीदी का पूरा सामान है। और अभी दोस्तों मच्छरदानी सब बांधे रहते हैं, नहीं खोलते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा भी आना जाना कोई भी नहीं करते हैं, केवल हम लोग ही रहते हैं, फिर नहीं खोलते हैं, रहने दिए हैं। यहाँ पे पूरा दीदी का सामान है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे जस्ट निकल कर बगल में रहता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मेरा रूम आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चलो मेरा रूम के अंदर में इंटर होते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं तो दोस्तों वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरा ग्रीन पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि दोस्तों बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, जैसे कि दोस्तों फोटो क्लिक करने के बाद ना पीछे वाला दोस्तों बैकग्राउंड को हटाना रिमूव करने के लिए या पर्दा काम आता है, तो यहाँ पर मैं लगा लिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर आजकल सोता हूँ, और ये अड्डा देख लो दोस्तों, यहाँ पर मैं चलाता हूँ अपना कंप्यूटर। और जो लोग नहीं जान रहे हो तो दोस्तों मेरा पहले एक टेक्निकल विनीत नाम से चैनल था, लेकिन
उसमें दोस्तों मैं सीख रहा था, छोटा सा था, तो धीरे धीरे ऐसे खेल खेल कर दोस्तों मेरे को आइडिया आया कि यूट्यूब से भी पैसा मिलता है। उसके बाद मैं ब्लॉग्स बनाना बना रहा हूँ और चैनल ना मोनोटाइज हो चुका है, जितने सारे वीडियो से मेरा डॉलर बनता है। और इस कंप्यूटर को दोस्तों मैं खरीदा हूँ, अनबॉक्सिंग किया हूँ, तो मेरा टेक्निकल विनीत नाम से चैनल है, उसमें पूरा मैं इसके बारे में डाल दिया। और छोटा था, कहाँ कहाँ बोलने के लिए भी मिस्टेक किया, अभी भी मैं छोटा हूँ। ये देख लो, यहाँ पे मेरा सिस्टम है और मैं खरीदा हूँ। और टोटल खर्चा की बात करें तो दोस्तों मैं इसको अलग खरीदा हूँ, इसको अलग खरीदा हूँ, इसको अलग अलग खरीद के दोस्तों टोटल खर्चा दोस्तों 24,400 रुपया पड़ा है। एक एक दोस्तों पूरा मैं जोड़ जाड़ के देखने के लिए दोस्तों, ये है चार्जर, जैसे कि डाटा केबल, इनका 450 350 ले जाते हैं, बहुत ही महंगा कंप्यूटर का सामान, छोटा छोटा बहुत ही महंगा, जो कि दोस्तों यूएसबी एक केबल और यूएसबी छोटा सा दोस्तों चिप्स, आप सभी लोग बोल सकते हो यूएसबी, इसमें डालने के लिए खरीदोगे ना तो 450 ले जाते हैं, बहुत ही महंगा है कंप्यूटर का सामान। तो ये देख लो मेरा कंप्यूटर ये यही पर है, और इनका प्राइस भी पता चल गया, कम बजट में भी मिलता है लेकिन थोड़ा बड़ा नहीं मिलता है। तो मेरा बड़ा सा है कंप्यूटर, अभी जैसे दोस्तों मैं इन्हें क्लिक करूंगा यहाँ पे दोस्तों ऑन हो जाएगा, बंद है क्या, चालू है, ये देख लो अभी दोस्तों पूरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा लाइट नहीं है ना, इसलिए। चलो थोड़ा सा मैं बैक कैमरा से दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों मेरा पूरा कंप्यूटर सामान, ये देख लो मेरा कीबोर्ड, 450 300 350 खरीदा हूँ, और भी एक चीज खरीदा हूँ, खराब हो गया लेकिन वो। ये रहा दोस्तों सीपीयू, सीपीयू ये है दोस्तों डाटा केबल, और ये है माउस, और ये है स्पीकर, और इसके अंदर में भी स्पीकर दिया है, ये देख लो दो स्पीकर है। और इधर आप लोग बैक साइड में देख सकते हो पूरा वायर जोड़ जाड़ के मैं फिट कर दिया हूँ, ये देख लो। और ये देख लो मेरा फाइनली दोस्तों कंप्यूटर कितना 32 इंच का है शायद, हाँ 32 इंच का है। तो यही पर दोस्तों मैं बैठ कर बनाता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, ये देख लो बड़ा कंप्यूटर है, जिसकी वजह से प्राइस भी थोड़ा ठीक ठाक ही दिया है, ये देख लो। और गैच मैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज अदर वीडियोस में, अदर ब्लॉग्स में धीरे धीरे बताऊंगा, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा यह वीडियोस। तो यही दोस्तों, इसमें दोस्तों टाइपिंग स्पीड वगैरह आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा सीख सकते हो, बहुत सारे लोगों को दोस्तों इनके बारे में नॉलेज नहीं रहता है, देख लो कीबोर्ड के अंदर भी कहाँ पे हाथ रखना उसको भी नहीं जानते हैं। ये रहा दोस्तों इस प्रकार का एक चिन्ह रहता है, जैसे कि देख लो यहाँ टूटा हुआ रहता है, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, इस प्रकार का दोस्तों आप लोगों को रखना होता है। और इधर भी दिया रहता है जो कि इस हाथ से मैं रखूँगा, फिर बहुत सारा इसमें होता है, और इसको दोस्तों बोलते हैं स्टार्टर। जो भी यहाँ पे आप लोग फाइल सर्च करना चाहोगे यहीं से दोस्तों ऑल प्रोग्राम आप लोग देख सकते हो, यहाँ से जितना सर आपका कंप्यूटर में क्या कुछ है यहाँ से दोस्तों पूरा ही देख सकते हो। बैक कर देते हैं, धीरे धीरे बताऊंगा इसमें वॉलपेपर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो, उसमें बहुत प्रकार का डिजाइन कैसे क्रिएट कर सकते हो, दूसरे ब्लॉग्स में बताऊंगा, आज के बाद देखो ये देख लो दूर से। तो दोस्तों यहाँ का आप सभी लोग मेरा पूरा दोस्तों रहन सहन आप सभी लोग देख ही लिए होगा, एंड यहाँ पर गैच मैं अभी रहने वाला हूँ, और क्या क्या खाने पीने वाले हैं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट करना, बहुत सारे लोग तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे आप सभी लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा, यहाँ का मेरा वर्क क्या है, मेरा काम यहाँ का क्या है, मैं क्या करता हूँ कंप्यूटर में, सब कुछ देखने को मिलेगा, ये देख लो। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा ब्लॉग्स, आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग भी अच्छे से रहो, मस्त रहो, और जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो मुझे ज़रूर फॉलो कर देना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। जय हिंद।